साइकोजेनिक वोमिटिंग तथा मानसिक उल्टियाँ, ये एक बीमारी है और उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोले में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स, पालक फ़ोन करते हैं और करीब करीब 1000 बच्चों में 4 से 5 बच्चे ऐसे है कि जिनको ये प्रॉब्लम होता है साइकोजेनिक वोमिटिंग का। जो उम्र पाई गई है वो अंदाजन 13 से 20 साल के उम्र में ज़्यादातर ये दिखाई देता है और लेडीज़ में ज़्यादा है, औरतों में ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें होता क्या है कि उल्टियाँ होती है, कुछ भी खाएं तो भी उल्टी हो जाती, कुछ भी खाएं तो भी उल्टी हो जाती। सब तरह की जाँच करने के बाद में भी कुछ कारण मिलता नहीं है। आज ही मुझे एक पिताजी का फ़ोन आया कि भाई उनके बेटी को, 14 साल की लड़की है, 9th क्लास में पढ़ाई कर रही है और पिछले 1 महीने से उसको उल्टियाँ हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त नौशियाँ होता है, जी मछलाता है और जी मछलाने के बाद में जाके उल्टी कर देंगी। उल्टी में ज़्यादा कुछ गिरता नहीं क्योंकि खाती नहीं है। उसका 1 महीने से वजन कम हो चुका है, करीब करीब 4 किलो वजन कम हुआ है और कुछ भी जाँच का नाम लो उन्होंने वो जाँच की हुई है। उन्होंने मेरे मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, मैं बोला ये किया, बोले हाँ ये अच्छा, सोनोग्राफी किया, सोनोग्राफी किया, सिटी स्कैन किया, एब्डोमेन का एक्सरे किया, एक्सरे किया, अच्छा ब्लड टेस्ट सब कर लिया, ब्रेन का सिटी स्कैन कर लिया, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सब कर लिया, एंडोस्कोपी सब तरह की हो गई, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब डॉक्टर बोल रहे हैं कि नॉर्मल रिपोर्ट्स है और उल्टियाँ तो रोज हो रही है। तंग आ गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास में जाने के बाद में भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या है कि ये जो है ये साइकोजेनिक वोमिटिंग इसको कहा करते हैं। यूजुअली ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ में होता है, जैसा हिस्टेरिकल न्यूरोसिस है या डिप्रेशन है उसके साथ में होता है, या फिर कुछ भी कारण नहीं है और उल्टियाँ होती रहती है, अन्न का पचन होता ही नहीं है, जैसे ही खाया तो उल्टी होती है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, ये इसके पीछे का कारण बोला जाता है कि भाई ये कारण है। दूसरा कारण जो है वो है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर मतलब भाई मेरे तरफ देखो, देखो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे अटेंड करो, और सब फिर उसके पेशेंट के आगे पीछे दौड़ना चालू कर देते हैं कि क्या बीमारी है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है इधर से उधर, फिर स्कूल मत जाओ, पढ़ाई मत करो, तो उसको ये रिवार्ड मिलता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि भाई ये उल्टियाँ हो रही है तो सब लोग मेरा ख्याल करते हैं, सब कदर कर रहे हैं, सब आगे पीछे घूम रहे हैं, सब घुमा रहे हैं, डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर, स्कूल में जाना नहीं पड़ता है, पढ़ाई करने का नहीं है क्योंकि बीमार है। अब ये सब फायदे हो रहे हैं तो वो वोमिटिंग ठीक होता ही नहीं जल्दी। यूजली जब वोमिटिंग होता है तो हम बोलते कि समझो लेडी में शादीशुदा है, लेडी और वोमिटिंग हो रहा है, हम बोलते क्या प्रेगनेंसी है क्या, देखो नहीं तो वोमिटिंग हो रहा है तो बहुत ज़्यादा खाना खाया तो उल्टियाँ होती है, पछताने फिर उल्टी हो जाती है, या फिर मोशन सिकनेस, जो यात्रा करते हैं बस में या ट्रेन में ऐसा, उनको मोशन सिकनेस होता है, उल्टियाँ कर देते हैं। उसके अलावा यदि ब्रेन में प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेन का ट्यूमर है तो उसमें उल्टियाँ होती है, या फिर माइग्रेन मतलब आधा सरदर्द होना, सरदर्द होना, इसमें भी बहुत सारी उल्टियाँ होती रहती है। एसिडिटी जिनको है उनको उल्टियाँ होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी उल्टियाँ होती रहती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, मगर जब सब कारण का निराकरण किया जाता है, सब जांचें नॉर्मल होती है, तब सवाल आता है फिर अभी क्या करें, और फिर लोग हमारे पास में वो पेशेंट को लेकर आते हैं। अभी हम बोलते हैं कि ठीक है, जब उल्टियाँ नहीं हो रही है, दोनों उल्टियों के बीच का जो टाइम है उस समय पेशेंट से बात करो, चर्चा करो, स्ट्रेस कौन सा है, क्या ये बिहेवियर समझो बंद कर देते हैं। देखो हम NLP का इस्तेमाल भी यहाँ करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि भाई ये बिहेवियर स्विच टेक्निक, ये बिहेवियर यदि वो बंद करते हैं और नया बिहेवियर लाते हैं तो उसमें वही फ़ायदा होगा क्या जो फ़ायदा ये बिहेवियर में हो रहा है। ये बिहेवियर में क्या फ़ायदा हो रहा है, कम्फर्ट है, स्कूल अवॉइडेंस है, पढ़ाई अवॉइडेंस है, सब ख्याल दे रहे, अच्छा वही होगा क्या यदि मैं ये उल्टियाँ बंद कर देती हूँ तो ये न्यू बिहेवियर अडॉप्ट करना होगा और उसको ये बोलना पड़ेगा। काउंसिलिंग में हम ये बोलते रहते हैं कि भाई ये न्यू बिहेवियर आपको अडॉप्ट करना है और ये पुराने बिहेवियर के नुकसान भी हैं, तो नुकसान भी बताना पड़ता है कि नुकसान है, आप कमज़ोर अपने आप को बता रही है, आप अपने आप को कमज़ोर समझ रही है, मैं बेचारी करके लोगों का ख्याल आपके तरफ हो रहा है, तो ये सब बंद करके एक कॉन्फिडेंट लड़की, एक टेंशन फ्री लड़की, एक कोई भी चीज़ का सामना करने वाली लड़की, वो आपको अपने आप को तैयार करना है कि भाई मैं बेचारी करके तैयार करना है। तो इस तरह का काउंसलिंग होता है, हम हिप्नोसिस भी करते हैं, हिप्नोथेरेपी, और इसमें एवर्शन थेरेपी भी देते हैं। एवर्शन थेरेपी में होता क्या है कि जो रिवार्ड मिलता है
पेशेंट को, वो रिवार्ड के बदले उसको तकलीफ होती है, पेन होता है। ये एवर्शन जो है ये पेन प्लेजर प्रिंसिपल पे है। आज जो पिताजी से मैं बात कर रहा था उनकी गलतफहमी हो रही थी, वो बोले कि आप शौक देते हैं, मतलब नहीं, शौक पागल लोगों को देते हैं, इसको शौक देना नहीं पड़ता है, शौक देने की जरूरत भी नहीं है, एवर्शन थेरेपी देते हैं। और वो काफ़ी अलग अलग तरह की होती रहती है, अलग अलग एवर्शन थेरेपीज, तो उसका जिक्र मैंने कोई अलग वीडियो में किया हुआ है। इसके साथ साथ हम दवाई भी देते हैं, जैसा एसिटालोपराम दवाई देते हैं, ट्राइफ्लुपेराजिन देते हैं, या फिर एमीप्रामिन प्लस डाइजीपाम कॉम्बिनेशंस वो देते हैं, जिससे दिमाग शांत हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और थोड़ा सा रिलैक्स होकर जो नींद जरा आती है, एंग्जाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, तो फ़ायदा होता है। यूजली जब आप देखेंगे कि ये शुरू कैसे हुआ तो मालूम पड़ता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस आया, हो सकता है कि होमवर्क के लिए स्ट्रेस आया, हो सकता है किसने डांट दिया, तो ये भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे तरफ अभी 14-15 साल की भी लड़की आ गई, या थोड़ी बड़ी भी आ गई 17-18 साल की, तो पहले हम पूछते हैं कि बॉयफ्रेंड का चक्कर है क्या, और 50-60% लड़कियों में ये मालूम पड़ता है कि वो है। मतलब आजकल तो इतना हो गया ये कि भाई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उन्होंने नकार दिया है, ठुकरा दिया है, अभी ख्याल देते नहीं है, ब्रेकअप हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, झंझट हो रहे हैं, और घर के लोग नहीं बोल रहे, अदर कास्ट का है, मालूम पड़ा है, मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम रहते हैं। और फिर उस समय ये उल्टियाँ शुरू होती है, तो फिर अभी मेन प्रॉब्लम बाजू में हो गया, अभी सब दौड़ रहे उल्टियों के पीछे कि उल्टियाँ हो रही, उसका इलाज करो। तो काउंसिलिंग, दवाइयाँ, हिप्नोथेरेपी, ये सब करके इसका इलाज होता है। यूजली हम ये पेशेंट को घर में रखते नहीं, हम बोलते कि नहीं हॉस्पिटल में भर्ती करो, घर में रख के इलाज होता नहीं है, क्योंकि जो रिवार्ड उसको मिलते हैं वो घर में मिलते ही रहेंगे। हॉस्पिटल में बोलते कि भाई इसके आसपास भी मत भटको, आप उसको अकेले छोड़ दो, उल्टियाँ हो रही होने दो, साफ उसको ही करना है, बोलो तू ही साफ कर उल्टी हो रही है तो। और सब लोगों को हम बाजू कर देते, भाई उसके कमरे में भी मत जाओ। तो वो जो फ़ायदा हो रहा है, वो जो रिवार्ड मिल रहा है, वो रिवार्ड निकल जाता है, और काउंसिलिंग से और दवाई से पेशेंट पूरा अच्छा होता है, 100% क्योर होता है। सिर्फ इतना ही है कि जो उसको फ़ायदे हो रहे थे, वो फ़ायदे उसको ऐसा लग रहा कि अभी मिलना बंद हो गया, अभी अच्छा होने के बाद में फ़ायदे मिलना बंद है, तकलीफ हो रही है अच्छा होने के बाद में। कौन सी तकलीफ हो रही है? पढ़ाई करना पड़ रहा है, स्कूल जाना पड़ रहा है, पीछे लग रहे लोग, तो फिर उल्टियाँ चालू हो जाती है। तो हमको ये बताना पड़ता है कि भाई फ़ायदे बंद करो, जो फ़ायदे मिल रहे थे, और सेम फ़ायदे अभी बिना उल्टियों का जो बिहेवियर है उसमें मिलना चाहिए। और वैसी जो पेन हो रहा है या कॉन्सिक्वेंसेस है ये वॉमिटिंग होने के कारण, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो जो उसका इम्पैक्ट है, वो भी बताना जरूरी होता है कि अरे ये ऐसा बिहेवियर है, आगे चल के कैसा होगा। तो सब करने के बाद में पेशेंट ठीक हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम यदि ठीक हो जाता है, जितने जल्दी ठीक करेंगे उतना जल्दी वो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी, उसका नुकसान नहीं होगा। नहीं तो लोग चालू है दो दो या चार चार महीने बीमारी चालू है, लाते नहीं है, क्योंकि मरता नहीं पेशेंट, कुछ ना कुछ तो पछता ही है, तो जीवित भी रहता है, तो इसलिए ख्याल देते नहीं। और फिर जितनी पुरानी बीमारी हो गई उतना ज़्यादा टाइम लगता है अच्छा होने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करो, प्यार दो। थैंक यू।